सचमुच लड़कियों के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं रहता है। उनके दिमाग में ना सिर्फ फैशन कपड़े और उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तेरे दिमाग में इतना खाना भर गया कि अक्कल की नहीं जगह नहीं। तुझसे ज्यादा दिमाग में गधों के पास होता है। सुनो जी गधा का एक सेकंड अभी बता। ओह माय गॉड वे तो गलत है। अपनी जगह बंद करो प्लीज प्लीज प्लीज। अभी तुम इस वजह अरे अरे माया 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 रुक जा रुक जा। अरे अभी तुम इस वजह इससे मेरा चेहरा खराब किया ना इससे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे माया इससे तो आज मैं इतना पीटूंगी इतना पीटूंगी ये खाना हो जाएगा। अरे अरे, अरे। तुझे क्या लगता है तू मेरी रफ्तार की बराबरी कर पाएगी? अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो सचमुच में बहुत बड़ी स्टूपिड है। दफा तेरी रफ्तार मेरे अकल के सामने कुछ नहीं है। एक सेकंड मैं मुझे वो क्या है चल जाकर देखते। हाँ ये है क्या? चल चल के देखते हैं। चल एक गेम माया को ये कितना पसंद आया बहुत प्रीटी है। मैंने आज तक ऐसी गेम कभी नहीं देखी। चल मैं खेलते। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? स्कूल की घंटी बस बजने ही वाली होगी। अभी ये देखना मुझे यहाँ पर क्या मिला। एक गेम कोई ना ऐसी गेम मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ अभी खेल कर देखते हैं। चल गाइस ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये किसी और का सामान है इसे छुओ मत। जहाँ से उठाया था वहीं पे रख दो। पर अभी नहीं अभी सही कह रहा है। तुम दोनों चलो पहले सीधे की वजह से मुझे मेरा चेहरा साफ करना पड़ेगा। इस हालत में माया थोड़ी किसी के सामने जाएगी। चल विशु जल्दी चल माया। अगर मैंने रिसेस खत्म होने से पहले ये दो टिफिन खत्म नहीं किए तो मुझे समोसा खरीदने का टाइम नहीं मिलेगा। तू कैसे दो टिफिन लाता है उसमें भी तेरी भूख नहीं मिटती। तेरा पेट पेट नहीं आधा तो कुआं है। माया तेरी को माया वो देख। चल जल्दी विशु ये तो हम दूसरी जगह छोड़ के आए थे ये यहाँ कैसे आ गया? माया तू आम खाना पेड़ क्यों गिनती है? अगर गेम भी यहाँ पर है तो गेम हो जाए। लगता है अभी अभी भी भोला सर से बात कर रहा है। उसके आने से पहले एक गेम हो जाए। चल मैं चल पहले डाइस पर लाल जुड़वा छे गेम शुरू करने का नंबर है 12 मतलब दोनों डाइस पर 6 लाने। चल मैं एक बार में माया ये क्या हो गया और ये गेम कहाँ से आया? चल मैडम तू आ गया नहीं तो मैं विशु ये क्या हो रहा है मुझे विशु मैं ग्लो रहा हूँ मैं भी नहीं अभी मदद कर ये क्या हो रहा है माया विशु भी ये गेम तो काला जादू है मुझे इसके बारे में पापा को बताना होगा।
फंसी जाल में तीन मोटी मोटी मछलियां, तीनों के तीनों रुद्र के रक्षक। अब तीनों इस मायावी गेम के जाल में कैद हो गए, कैद हो गए। विशु, माया, अभी ये सब क्या हो रहा है बॉस? वो और हम है कहाँ? मायावी गेम खेलने तीन खिलाड़ी आए, फंस चुके हैं सब गेम में, ये सुन पछताए। मतलब मेरा शक सही था, हम उस बोर्ड गेम के अंदर आ गए, हमें ट्रैप किया गया। क्या? पर कैसे और क्यों? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? चलो चाल और फेंको पासा, और कोई नहीं तुम्हारे पास चारा, जा सकोगे सब बाहर जब पहुंचेगा कोई 150 तक। बस तुम दोनों को मैं बचाऊंगा, सटा सट से चाल चलूंगा, 2 मिनट में 50 तक पहुंचा दूंगा। तू ठीक है ना? खेल के नियम है पक्के, अगर करोगे उनमें भेद तो सारे खिलाड़ी यहाँ हमेशा के लिए हो जाएंगे कैद। मैं हूँ गुरुकार, कभी खाली ना जाए मेरी चाल, फंस गए बच्चे गेम के अंदर, अब मजबूर होकर उन्हें खेलना ही पड़ेगा। गुरुकार, बच्चे गेम अंदर बैठकर खेले या बाहर बैठकर खेले, हमें उससे क्या मिलेगा? अगर मैं 50 तक पहुंचने तो हमें सारे नियम फॉलो करके ही गेम को खेलना होगा। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हमें बताइए कि गेम के नियम क्या है। हर चाल पर गायब होंगे पासे, ढूंढो उनको तो बढ़ पाओगे आगे। पासों का पता है पहेली में है छुपा, पूछ पाओ तो ठीक वरना रहो यहाँ फंसा। मतलब हर चाल पर हमें पहेली सुलझा कर डाइस ढूंढनी है, तो ये गेम है। खेलने के पहले तय करो इनाम, जो है तुम्हारे पास सबसे कीमती उसका लगाओ दांव। जब पहुंचोगे 50 पर और जीतोगे खेल, तुम्हारी चीजों से होगा तुम्हारा मेल। मतलब गेम पूरा होने पे हमें हमारी चीजें वापस मिल जाएंगी, पर हम तो बच्चे हैं, हमारे पास क्या कीमती चीज होगी? बॉस, माया के पास मेकअप का ही सामान है। पर मेरे पास तो सिर्फ बचा हुआ सैंडविच है, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा, पता नहीं यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिले या ना मिले। जो है सबसे कीमती वो नहीं कोई चीज मामूली, सबसे कीमती चीज तो है तुम्हारे अंदर छुपी। तुम दोनों की शक्ति है सबसे कीमती, पर तुम्हारी शक्ति से ज्यादा कीमती है तुम्हारे भीतर ये चाबी छुपी। चाबी? मतलब ये सारा खेल चाबी के लिए किया गया है? मतलब ये सब गुरुकाल की चाल थी, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा। अभी सही समझा तू, पर चाबी तो तुम्हें दांव पर लगानी पड़ेगी। एक बात गेम ने तुम्हें नहीं बताई, गेम 1 घंटे में पूरा करना है, वरना चाबी बाहर आ जाएगी और तुम सब कैद हो जाओगे अंदर, हमेशा हमेशा के लिए। और चाबी हो जाएगी मेरी।
मेरी। मैं चाबी डॉ पे नहीं लगाऊंगा। ये है खेल के नियम, नियम का हर शब्द मानना पड़ेगा। या तो लगाओ चाबी दांव पर या कटेंगे तुम्हारे दोस्तों के सर। रुको, मेरे दोस्तों को कुछ मत करो, मैं चाबी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। किसी भी हाल में गेम जीत नहीं होगा, वरना मायावी चाबी खो देंगे। पहेली, सांड के आगे मत बजाओ बीन, नजर रखो जहाँ है उसके सीन। का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? कहावत में तो बैल के आगे बीन बजाते हैं ना? नहीं माया, इसका मतलब हुआ कि हमें बैल के आगे बीन बजाने, तू हमें बासी तक पहुँचने का रास्ता बताएगा। दोस्तों, पहेली ने सांड कहा था ना, वो देखो। दोस्तों, कुछ भी करके उसके हाथ मत आना। ओए, पर इसे जीतेंगे कैसे? दोस्तों, अगर यही है सांड तो आइडिया, हमें से लड़ना नहीं है। याद करो पहेली में क्या कहा था, उसके सींग के ऊपर देखो। मेरे पास एक आइडिया, पर उसके लिए तुम दोनों को किसी भी ढंग से उस सांड का ध्यान बटाना होगा। मैं सुशी का एक सिरा पकड़ता हूँ और दूसरा सिरा तुम पकड़ो।
मैं ठीक हूँ। अगर आगे से हीरो बनने की कोशिश की ना तो मैं ही तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी, समझा? दूसरी पहेली, ताल पर पड़े डंके की चोट, आगे बढ़ो जब समझो इसमें खोट। चोट, खोट, ये पागल हो गया है क्या? कल भी बके जा रहा है। की चोट, खोट, दोस्तों हम जिस पर खड़े वो तो एक बड़ा सा ड्रम है। ड्रम? माया को तो म्यूजिक पसंद है पर ये तो हड्डी हो गई। ओए पर डाइस है कहाँ? ड्रम की खोट यानी उस शेड की तरफ, वो देखो। और वो रही डाइस। ओए, मेरे पास शक्तियां होने के बावजूद भी मेरी रफ्तार काफी तेज है। यूं गया और यूं आया। विशु, तू बहेली बुरी नहीं समझा। विशु, 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 और ये रही डंके की चोट। दोस्तों हथौड़े के हर वार से वो डाइस उस ड्रम की खोल यानी उसके छेद की तरफ जा रही है। अगर वो डाइस छेद में गिर गई तो हम ये गेम नहीं खेल पाएंगे, हम यहीं कैद हो जाएंगे। प्लान बनाने का टाइम नहीं है, तू मेरी तरफ भाग और मैं तुझे पूछ लेता हूँ। ठीक है? ठीक है चल। विशु जल्दी आ। विशु एक गया।